हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस चटपटी चना चाट मसाला। इतनी टेस्टी होगी ये चना चाट की रेसिपी के आप उंगलियों के साथ प्लेट भी चाटने लग जाओगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनने वाली है आज की ये रेसिपी, नए अंदाज में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी चना चाट। तो मैंने एक दिन चने को भिगो लिया था और दो दिन ऐसे कपड़े में बांध के रख दिया था। तो देखिए कितने अच्छे से उसकी जड़ियाँ आ चुकी है। इस तरीके से जब हम चना चाट बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन जाती है हमारी ये चना चाट की रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है फ्रेंड्स। हम इन चनों को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना ही डालना है जितना बस चने भीग सके, और एक चुटकी हल्दी डाल देंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे। और हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 3 विजिल आने देंगे। देखिए 3 विजिल आ चुकी है, ढक्कन मैंने हटा दिया है। आपको एक चना लेकर देखना है पका है या नहीं, इस तरीके से आपको भी पका लेना है। मैं एक कटोरी में गरम मसाला ले लूँगी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी, धनिया पाउडर ले लूँगी आधा छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार हमें नमक ले लेना है। इसमें पानी डाल देंगे, लिक्विड बना देंगे। थोड़ा और पानी डालूंगी मैं इसमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये पेस्ट। तो इसे एक साइड में रख देंगे और कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल दूंगी। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूंगी, जब ज़ीरा तड़क जाए तब मैं इसमें हींग डाल दूंगी, और जो हमने पेस्ट कर लिया था मसालों का वो इसमें डाल देंगे। इसे हम चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे जब तक मसाले तेल ना छोड़े तब तक हम इसे भून लेंगे अच्छे से मसालों को। देखिए तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं इसमें चने डाल दूंगी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा नमक डालूंगी, नमक हमें देखकर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैंने इसमें 2-3 बार नमक डाला है। आप भी देखकर ही नमक डालिए। 5 मिनट तक हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। चनों को मैंने एक बर्तन में ले लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी बारीक कटी हुई। अब मैं इसमें उबला हुआ एक आलू बारीक कटा हुआ डाल दूंगी। अब मैं इसमें कच्चा आम बारीक कटा हुआ डाल दूंगी। अब मैं इसमें खीरा बारीक कटी हुई डाल दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दूंगी। अब मैं एक हरी मिर्च को बारीक कटी हुई डाल दूंगी। अब मैं एक कैरेट को मैंने घिस लिया था उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। बर्तन हमें बड़ा ही लेना है क्योंकि हम अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। बड़ा भगोना ले लो या फिर परात ले लो, कुछ भी आपके घर में जो बड़ा बर्तन हो। इस पे मैं धनिया डाल दूंगी थोड़ा सा। अब मैं इसे अच्छे से चाट मसाला डालूंगी 1 चम्मच, 1 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, और मैं इसमें नींबू डाल दूंगी। आप कम या ज़्यादा नींबू डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर आधा ही इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मज़ेदार सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी मुंबई की फेमस चटपटी चना चाट मसाला बनकर हमारी तैयार है फ्रेंड्स। आप भी इसे इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से बनती है ये रेसिपी। चनों को ऐसे खाने से हमारी पाचन तंत्र मजबूत रहती है। मेरी छोटी सी प्रिंसेस बीच बीच में मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए आती रहती है, तो
तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी ये रेसिपी चना चाट मसाला। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट मी गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।